लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी एक विधायक बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की महिला विधायक पूजा पाल की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि अब चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बाद से अब लोगों के मन में सवालों का पहाड़ उमड़ रहा है। कोई कह रहा है बीजेपी में चली गई, तो कोई कह रहा है बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है, तो कोई कुछ। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी बिल्कुल सही बताई जा रही है, वो ऐसे कि अभी 3 दिन पहले ही सपा विधायक पूजा पाल प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मिली थी। खबरों के मुताबिक बुधवार की शाम को प्रयागराज के चकिया इलाके में इलाहाबाद पश्चिम सीट के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें सपा विधायक पूजा पाल शामिल हुई। इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्थानीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह भी शामिल हुए थे, लेकिन पूजा पाल देरी से पहुंची थी, जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य जा चुके थे। इस कार्यक्रम में सपा विधायक पूजा पाल काफी देर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रही और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारी को लेकर भी चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ये तस्वीर खिंचवाई थी, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। बता दें कि पूजा पाल कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं। इससे पहले पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस तस्वीर के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द पूजा पाल बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए दिख सकती हैं।